हर हो जाएगा बढ़िया से ना, तो हम बीज देंगे किसान को, और लगाइए और गर्मा धान, गर्मा का बीज देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम एक आपको अजूबा खेती दिखाने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि अभी मार्च का समय चल रहा है और अभी गेहूं और सरसों का खेती जोर शोर से बिहार में किया जाता है, लेकिन हम बता दें कि ये बांका का क्षेत्र है और बांका के क्षेत्र में एक किसान ने अजूबा खेती करके दिखाया है। और बता दें कि इन किसान का जितना ही बराई लिया जाए उतना ही कम रहेगा। ये बांका जिला के एक किसान ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बता दें कि बांका जिला में पिछले साल जो है कि सुखाड़ घोषित हो गया था और पूरा बांका जिला धान का खेती नहीं हुआ था, लेकिन अभी गर्मी के समय में इस किसान ने धान का खेती करके दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं जिन्होंने इस गर्मी के भीषण गर्मी के मौसम में, जहाँ पे कि पानी का कमी है और इतना गर्मी है, तब पर भी इन्होंने जो है कि धान का खेती करने के लिए ठान लिया है। आखिर हम जानते हैं कि इनके मन में ऐसा विचार क्यों आया और कैसे आया। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे, एक बार आप बोलिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जोर से बोलिए, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाँ, आप मुरेठा भी बने हैं, लग रहे हैं कि बिहार के ओरिजिनल किसान आप ही हैं। और अभी गर्मी के समय में बंगाल में ये खेती किया जाता है, लेकिन आप बांका जिला में इतना भीषण गर्मी में ये धान का खेती आप ही कर रहे हैं? हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। आप ही कर रहे हैं? हाँ। ये कितना दिन पहले ये धान का खेती करना स्टार्ट किया है? 10 दिन पहले बोए हैं। 10 दिन पहले बोए हैं। अच्छा, कब विचार आया आपके मन में और क्यों विचार आया कि गर्मी के मौसम में आप खेती कर रहे हैं? काहे उतना गेहूं नहीं उगा सकते हैं, पूंजी का कमी है, धान में कम लागत लगता है, इसलिए लगा दिए। थोड़ा टेस्ट के लिए शुरुआत है अभी, देखा कैसा पैदावार होता है, उसके बाद फिर अगला साल ज्यादा लगाएंगे। अच्छा, ये खेती तो बंगाल गए थे, उधर बंगाल में उपजा रहा था, तो बोला कि आपके आया उधर से मेरा दोस्त, बोला कि यहाँ का भी, यहाँ भी हो जाएगा, आप लगाइए एक बार। वही आप बंगाल से सीख करके आए? हाँ हाँ, बंगाल में देखे कि वहाँ बहुत बढ़िया, मतलब बारिश का समय से गर्मी का धान ज्यादा उपज होता है वहाँ, इसी से हम लगाए हैं, 1.5-2 बीघा लगाए हैं। अच्छा, ये धान का ये बीज का नाम क्या है, बताएंगे? नहीं, बता नहीं सकते हैं। ऐसे नाम लिखा था, आस्था का बीज, वो पैकेट में लिखा था, यानी आस्था का बीज। हाँ, नाम है। हाँ, हाँ, अच्छा, बीज। हाँ। वही लिखा था। अब क्या उपजेगा नहीं उपजेगा, अभी पहली बार लगाए। कितना बीघा में आप ये खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको दिखाएंगे। ये लंबा दिख रहा है, हरा हरियाली एकदम दिख रहा है, जो कि भादो और सावन के समय में बिहार में देखने के लिए मिलता है। हमेशा बिहार में सुखाड़ और बाढ़ के कारण धान का खेती बर्बाद होते हुए दिखता है, लेकिन गर्मी के सीजन में हरा भरा धान का खेती दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए किसान जी कि आप ये खेती जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये गर्मी, भीषण गर्मी में आपका ये खेती सफल होगा? हमको तो जैसा उम्मीद है कि हो जाएगा, हम उम्मीद से लगाए हैं कि 100% हो जाएगा। 100% उम्मीद है कि हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, भादों के समय में पानी का किल्लत हो जाता है बिहार में, लेकिन ये भीषण गर्मी में जहाँ पे कि कुआं सूख जाता है, चापाकल सूख जाता है, नदी पोखर सूख जाता है, तो आप ये उगा लेंगे? हाँ, पानी का तो दिक्कत है, लेकिन आगे पानी है, पाइप जोड़ना पड़ेगा, परेशानी होगा, लेकिन उपज जाएगा। लेकिन उपज जाएगा। हाँ। देखिए, कहा जाता है कि अगर 36 का छाती रहता है तो दो ही लोग हैं, एक जवान और दूसरा किसान। अगर किसान हमारे देश में खेती करना छोड़ देगा तो पूरा देश जो है कि पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे किसान को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि गर्मी के समय में बांका जिला में धान उगा करके दिखाने वाले हैं। आप लोग भी किसान हैं तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और ऐसे ही मुरेठा माथे पे बांध लीजिए, हर सीजन में आप लोग धान उगा सकते हैं। अच्छा, ये धान जब उगेगा तो क्या सरकार से कुछ आप मांगना चाहते हैं? उगेगा तब ना, पहले अभी क्या मांगेगा, सरकार देगा तो क्यों नहीं लेंगे। आप हमको दिक्कत है पानी का। हाँ। स्टेट बोरिंग करा दे तो बढ़िया है। अच्छा, स्टेट बोरिंग अगर सरकार आपको करा दे तो आप क्या क्या उगा सकते हैं खेत में? तब तो हम 3 फसल उगा सकते हैं। 3 फसल? 3 फसल, जैसे धान हो गया। हाँ। मक्का हो गया, उसके बाद फिर धान हो जाएगा, 3 फसल हो जाएगा, मूंग हो गया, सब चीज यहाँ होता है। हाँ। मकई होता है, सब कुछ। अच्छा, भदवारी खेती हुआ था धान का आपके यहाँ? हाँ, इसमें भदवारी काट के फिर से धान ही लगा? हाँ, फिर धान लगा। अच्छा, कितना बीघा में लगा है? 1.5-2 बीघा है, ज्यादा नहीं। बीघा में लगा और सब परती है, पानी का दिक्कत है ना, पानी का दिक्कत हो उतना उतना नहीं लगा। ये धान जो है कि कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 3 महीना में हो जाएगा। 3 महीना में ये धान तैयार हो जाएगा? हाँ, तैयार हो जाएगा। और वो धान कितने दिन में तैयार? वो भी 3 महीना में। वो भी 3 महीने में, ये भी 3 महीने में। अच्छा, इनका जो रेट रहेगा धान का, उस धान के बराबर रहेगा या अधिक रहेगा?
अब तो बाजार भाव क्या होगा उसका कहना मुश्किल है। बंगाल उपज जाता है तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये तो बाजार के निर्भर होता है ना धान का बिक्री। अच्छा, ये खेती सीखने में आपको कितना दिन लगा था? सीखने में कोई दिक्कत, पहले से हम बहुत दिन से पप्पे खेती कर रहा था, पहले गए तो बीज मिल गया तो लगा दिए। सीखने में तो हम खेती कर भी करते हैं, सब दिन खेती करते हैं। खेती करते? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, इसमें सीखने का क्या जरूरत है, सबको सीखा हुआ है। बिहार के किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे लगाए, उपज जाएगा तो लगाइए और विकास होगा। और विकास? हाँ, और विकास होगा, लगाइए जितना लगा सकते हैं। यानी कि खेती से ही विकास होता है? हाँ, खेती से होता है। परिचय बता दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? नाम गोपाल मंडल हुआ। गोपाल मंडल, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? घर? हाँ, घर घर नक्सोसा हुआ। नक्सोसा, पोस्ट कठेल, थाना अमरपुर, जिला बाका। बाका और इंग्लिश मोड़ के बगल में, इंग्लिश मोड़ मार्केट के बगल में ये खेती हो रहा है। इंग्लिश मोड़ जैसे आइएगा उसके बगल में ये धान का खेती हो रहा है। अच्छा, ये धान के खेती करके आप और किसान को क्या संदेश देने वाले हैं? धान हो जाएगा बढ़िया से ना तो हम बीज देंगे किसान को, और लगाइए और गर्मा धान। हाँ। गर्मा का बीज देंगे और क्या कर सकते हैं। यानी कि किसान को आप जागरूक कीजिएगा कि गर्मा धान कैसे लगाया जाता है। हाँ। और उनको आप अपने तरफ से बीज भी दीजिएगा। हाँ, बीज भी देंगे। जो किसान अगर गर्मा धान लगाना चाहेगा तो आपके पास से वो बीज ले सकता है। हाँ, बीज का छू जो किसान होगा तो उपज जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दिखाइए थोड़ा सा, ये चारों तरफ धान का खेती किया गया है और ये जो है कि गर्मी के मौसम में आप क्या कहना चाहते हैं इन किसान को, किस प्रकार से आप धन्यवाद देना चाहते हैं इन किसान को, किस प्रकार से आप सम्मान देना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके अवश्य इन किसानों को सम्मान दीजिएगा। अगर आप किसान का सम्मान करते हैं तो इन किसान को भी आप सम्मान दीजिएगा कमेंट में जा करके। इसके लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।